अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश सरपंच सचिव ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले भर के पंचायत कर्मियों ने मुख्यालय पर प्रभावी प्रदर्शन किया। नवग्रह मंदिर परिसर में धरना सभा के बाद नारेबाजी करते हुए कलेक्टर परिसर पहुंचे। यहां पहले कार्यालय प्रवेश द्वार पर नारेबाजी की, करीब आधे घंटे तक कोई अफसर ज्ञापन लेने नहीं आया तो नारेबाजी करते हुए कार्यालय में प्रवेश कर गए। गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकते रहे, लेकिन कुछ पंचायत कर्मी कार्यालय में घुस गए। हालांकि समझाइश के बाद फिर गेट पर लौट आए। यहां डिप्टी कलेक्टर के मालवीय को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़वा जनपद के ग्राम बासवा सरपंच बसंत पिढारे ने डिप्टी कलेक्टर मालवीय पर कालर पकड़कर अपमानित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ज्ञापन के दौरान नारेबाजी करने पर कालर पकड़ ली, एक जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारी का ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। वहीं मोर्चा ने भी नाराजगी जताई, जबकि डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि मैं शासकीय काम में व्यस्त था, इन्हें इंतजार करना था, काम खत्म होने पर ज्ञापन लेने पहुंच गया था। सरपंच द्वारा कॉलर पकड़ने का आरोप गलत है, मैंने नारेबाजी करने से रोका था, ज्ञापन वाचन के दौरान नारेबाजी हो रही थी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सचिव ज्ञापन देने आए थे, मोर्चा बना के कलेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया, किस मांगों के लिए? एक्चुअली ये सरपंच सचिव और ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा के लोग थे, तो इसमें सरपंच भी थे, सचिव है, ग्राम रोजगार सहायक, ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे कि मांगों से संबंधित है, तो वो ज्ञापन हमने ले लिया है और कलेक्टर साहब और सीईओ जिला पंचायत के संज्ञान में लाएंगे और जो भी उसमें उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक के सरपंच सचिव यहाँ पर खड़े रहे, नाराज होकर अंदर परिसर में भी आए थे, आपने भी नाराजगी जाहिर की है? एक्चुअली देखिए, मैं बिजी था किसी सरकारी काम में, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अधिकारी अगर कोई किसी सरकारी काम में व्यस्त है तो वेट करना चाहिए, और जैसे मैं फ्री हुआ मैंने ज्ञापन ले लिया। सर, कालर पकड़ने का आरोप भी लगे आप? नहीं, गलत है ये, मैंने नारेबाजी करने से रोका था कि जब हम ज्ञापन लेने के लिए सुन रहे हैं तो नारेबाजी बंद कर देनी चाहिए। सर, कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लगी है, कल आदिवासी ज्ञापन देने आए थे तो गेट बंद कर दिया गया था और आज सरपंच सचिव अंदर आ गए, तो क्या दो नियमों का वो हो रहा है? देखिए, ज्ञापन देने के लिए कोई भी आ सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा सकता है, आवेदन दिए जा सकते हैं। कल तो रोक लिया गया था ना, गेट लगा था। देखिए, वो पुलिस का काम है, लाइन ऑर्डर के हिसाब से जो भी उचित होता है वो किया जाता है। तो क्या धारा 144 आज हट गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम लगता है सर? पता है। आज हम अभी संयुक्त मोर्चा सरपंच सचिव संगठन का कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने गया। ज्ञापन शांतिपूर्ण दे रहे थे, हल्की फुल्की हमारी मांगों के लिए पीछे से सरपंच लोग नारे लगा रहे थे। इसी बीच हमारे जो ज्ञापन लेने आए अधिकारी, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है, पर उन्होंने हमारे एक सरपंच साथी की कालर पकड़ी, ये सरासर गलत है, कानूनन गलत है और हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान है। इसके लिए हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उन्हें इसमें कार्रवाई कर, सख्त कार्रवाई कर सजा दी जाए। आपने रोष भी व्यक्त किया था? इसमें मैंने खुद ने भी रोष व्यक्त करा, गलत है, गलत का तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। चंद्रपाल सिंह सोहनेर, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष। ठीक है, आज हमारी संयुक्त बैठक में ज्ञापन के माध्यम से 9 सूत्री मांगे हैं और हमारे जिले के सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष मकवाने जी ने विस्तृत तरीके से इन मांगों को आपके समक्ष अभी रखा है। उसमें मेन हमारी मांगे हैं सीएम हेल्पलाइन, जो फर्जी तरीके से लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन की जाती है, उसमें जो फर्जी सीएम हेल्पलाइन होती है उसको बंद करवाने के लिए जो पीड़ा सरपंच सचिव और जीआरएस को झेलनी पड़ती है। मनरेगा में कई काम ऐसे हैं कि जिनका भुगतान आज एक साल से नहीं हो पाया है। आज ग्राम पंचायत के अंदर पीएम आवास हो, पंचायत के निर्माण कार्य जो भी हैं उनमें रेती मिट्टी मुरुम जैसे कार्यों में आए दिन हमको समस्या होती है, एवं जो जिला पंचायत सीईओ मैडम द्वारा सोकपीट गड्ढा, एक प्रत्येक हितग्राही के घर के सामने गड्ढा करके उसमें पानी, घर का गंदा पानी छोड़ना है, उसके लिए कोई टीएसईएस नहीं है और
उसके लिए हितग्राही से 2491 रुपये अनुदान लेना है। आज जो हितग्राही 100 रुपये जल करके नहीं दे पाता है वो 2491 रुपये जन भागीदारी में कैसे देगा। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड में हमारे मंत्री साथी एवं GRS उनको आए दिन चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो उनकी कोई छुट्टी नहीं है और उनको काम रविवार के रोज़ भी उनको आयुष्मान कार्ड बनाने का दबाव बनाया जाता है और इन चीज़ों के कारण हमारी पंचायत का कई बहुत सारे कार्यों का विकास नहीं हो पाता है। रिट्टी गिट्टी की हमारी बहुत जलील समस्या है और इससे हमने CO मैडम को भी अवगत कराया है कि इसमें CO मैडम का बोलना यह है कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। कलेक्ट्रेट में आप गए थे तो किसी अधिकारी ने सरपंच की कॉलर पकड़ ली थी? हाँ, कलेक्ट्रेट में हमारे एक सम्मानित सरपंच साथी की कॉलर किसी अधिकारी ने पकड़ ली थी और ये जनप्रतिनिधियों के साथ में बहुत गलत है और शासन से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांगे हैं। सरपंच साहब बासवा पंचायत के सरपंच साहब थे वो। मेरा नाम राजकुमार वर्मा है, मैं बढ़वा ब्लॉक सरपंच संगठन का अध्यक्ष हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।